ऑलराइट गाइस, तो आज हम ट्राई करेंगे जी नई रेसिपी जिसका नाम है जी मुर्ग चने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है टिप्स यूज होंगी इसके अंदर और इस रेसिपी के अंदर, और गाइस इसकी गार्निशिंग जो है कैसे करते हैं, और जो हमारे दूसरे जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट होते हैं वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स। टाइम ना ज़ाया करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक पाव जो है चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है, और दो अदद जो है टमाटर मैंने ले लिए हैं चॉप किए हुए, गरम मसाले के 2 टेबल स्पून, और एक नॉट चिकन क्यूब ले लिए, आधा किलो जो है बॉयल किए हुए मैंने सफ़ेद चने ले लिए। चने आप ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा ताकि आगे भी इसकी बुनाई करनी है हमने ज़्यादा। तो ऑयल के अंदर मैंने 1 कप ऑयल के अंदर मैंने प्याज वगैरह भून लिया था, तो अब हम टमाटर वगैरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज और हरी मिर्ची डाल के हमने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भूनना है, तो टमाटर भी हमारे भून जाएंगे जब। तो गाइस, हमने इसके अंदर ऐड कर देनी थी दरा मिर्च 1 टीस्पून ऐड करके हमने इसके अंदर जो चिकन था हमारा बॉयल किया हुआ वो ऐड कर देना, और 3 साबुत हरी मिर्ची ऐड करनी है खूबसूरती के लिए, और इसका टेस्ट भी आता है माशाल्लाह से। जब ये भून जाए थोड़ी सी, तो 1 अदद मैंने जो है वो ऐड कर दी दालचीनी। अब हमने इसके अंदर जो है वो अपना चने ऐड कर देने सफ़ेद, और इसको अच्छी तरीके से भूनना है जी। इस रेसिपी के अंदर सबसे जो मेन काम है वो है चने की बुनाई, तो इसके अंदर हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जो है इसके अंदर पानी ऐड करना है, और चनों को जो है भूनते जाना है जब तक ये हो जाए थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करते जाना है। तो गाइस, ये देखें जी हमारी फाइनल कंडीशन बन के सामने आ चुकी है जी हमारे मुर्ग चनों की। तो माशाल्लाह से अब मैंने ऊपर जो है 1 अदद अंडा जो है बॉयल किया हुआ काट के ऊपर रख दिया डेकोरेशन के लिए, और दरमियान में हरी धनिया रख दी थी, और ये देख सकते हैं जी हमारे मुर्ग चने तैयार हो चुके हैं बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल होटल्स में वगैरह में मिलते हैं, ढाबों में मिलते हैं जी, तैयार हो चुके हैं जी रेस्टोरेंट स्टाइल माशाल्लाह से। और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह से भूख को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें याद ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर से पहुँच सके, और इस रेसिपी को लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो गाइस, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तो इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।